श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव के परंपरागत आयोजन के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सामाजिक संस्था श्री श्याम परिवार वाराणसी के तत्वाधान में श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से 16 जुलाई रविवार को किया जाएगा। मैमूरगंज स्थित वंशीवट में मध्यान्ह 1 बजे से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती दादी मंदिर की तर्ज पर रानी सती दादी मंदिर झुंझुनू की भव्य झांकी के दर्शन भक्तों को होंगे। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दरबार सजाने के लिए कोलकाता से कुशल कारीगरों का दल बुलाया गया है, जो तैयारियों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। रानी सती दादी का श्रृंगार कोलकाता के जावा फूल, मुंबई के स्वर्ण चंपा फूलों से तथा अनेक प्रकार के फूलों से होगा। काशी में पहली बार रानी सती दादी का मंगल पाठ का ये उत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तों द्वारा विविध प्रकार से पूजन अर्चन किया जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता को मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, स्वागताध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान, दीपक बजाज, संजय अग्रवाल, सुरेश तुलस्यान आदि ने संबोधित किया। और क्या कार्यक्रम होने? देखिए, काशी में पहली बार इतने बड़े स्तर पे दादी के, रानी सती दादी के मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बंसीवट महमूरगंज में होगा, जो कि एसी हॉल है, और इसमें बाहर से शीतल कटारिया जी पुरुलिया से आ रही हैं इस मंगल पाठ को करने के लिए, और श्री श्याम परिवार द्वारा इस मंगल पाठ को कराया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सभी काशीवासियों का पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो है सबका विकास हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसके पीछे ये भावना है। साथ ही साथ यहाँ जवा फूलों के द्वारा दादी को जितने भक्त आएंगे उनको मुंबई से मंगाए गए फूल जो है वो लोग दादी को चढ़ाएंगे, 56 भोग लगेगा, सवामणि लगेगी, और मंगल पाठ के बाद प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पे है, और प्रसाद के बाद एक भजन संध्या का आयोजन है, जिसमें भी बाहर से और बनारस के अनेक कलाकार जो है दादी को भजनों से रिझाएंगे, और हम सभी भक्त लोग जो है मिल करके इस मंगल महोत्सव को दादी के मनाएंगे। कितनी महिलाएं समाज की इस पाठ? देखिए, 1100 महिलाएं लगभग ऐसी हैं जिनकी हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है इस मंगल पाठ के लिए, तो अब लगभग उस हाल की कैपेसिटी भी हमारी फुल हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लगातार हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं समाज इसका लाभ ले सके, उनके द्वारा ये मंगल पाठ जो है करवाया जाए।